आगे बढ़ते हैं और दिन भर आज चर्चा रही सुबह परीक्षा पे चर्चा की, जिसका पांचवा एडिशन आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें पीएम मोदी देश भर के छात्रों से रूबरू हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों को परीक्षा से जुड़े हर सवाल के जवाब देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेले बिना कोई खिल नहीं सकता, अपने प्रतिद्वंदी की चुनौतियों का सामना करना हम सीखते हैं, किताबों में जो हम पढ़ते हैं उसे आसानी से खेल के मैदान से सीखा जा सकता है। खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है, बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट आता है, साहस आता है, अपने प्रतिस्पर्धी को समझने की ताकत आती है। ये सारी किताबों में से जो सीखते हैं खेल के मैदान में आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन वह पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था से बाहर था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी था, उसको प्रतिष्ठा दी। अब आप देखते हैं कि परिवर्तन आने वाला है और इन दिनों खेलकूद में जो रुचि बढ़ रही है तो उसको एक प्रतिष्ठा मिली है। और जी मीडिया के माइक पर जब एक छात्र ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे तो देखते हैं पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया। नमस्कार, मेरा नाम हरिओम मिश्रा है और मैं कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा की 12वीं कक्षा का छात्र हूं। मेरा आज प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि जैसा इस साल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया में काफी बदलाव लाए गए हैं और इस साल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में भी काफी बदलाव लाए गए हैं, तो इन सारे बदलावों के बीच में हम विद्यार्थी अभी बोर्ड परीक्षा पर ध्यान दें या फिर हम कॉलेज के एडमिशन की प्रक्रिया पर ध्यान दें, हम किस चीज को और अपनी तैयारी किस प्रकार करें? मैं नहीं मानता हूं कि हमने एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, गलती वहीं हो जाती है। मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, फिर मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, इसका मतलब हुआ कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप उन जड़ी बूटियों को खोज रहे हैं जो आपका काम आसान कर दे। और शायद इसी के कारण हमारे लिए अलग अलग एग्जाम अलग लगते हैं, कठिन लगते हैं। हकीकत यह है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको पूर्ण रूप से हम पूरी तरह उसको आत्मसात करेंगे, फिर वो बोर्ड का एग्जाम है या एंट्रेंस एग्जाम है या जॉब के लिए कोई इंटरव्यू या एग्जाम है, कहीं पर भी हो सकता है एग्जाम। अगर आपने अपनी शिक्षा का पूर्ण रूप से एक साक्षात्कार किया है, आत्मसात की है, तो आपको एग्जाम का रूप क्या है वो रुकावट नहीं बनता है। और इसलिए अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करने के दिमाग खपाने के बजाय अपने आप को योग्य शिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए, विषय को मास्टर बनने के लिए हम मेहनत करें।